नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चले नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर प्रदेश सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने की पहल की है। मुखिया बनकर गांव की सरकार चलाएंगे, लेकिन जिले में ऐसा प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव जीतने के बाद ज्यादातर महिला प्रतिनिधि रबर स्टाम्प बन के रह गई है, जबकि उनके पति सरपंची चला रहे हैं। जिले की बदरवास जनपद 66 ग्राम पंचायतों में से 37 की सरपंच महिला है, लेकिन ग्राम सभा की बैठक से लेकर ग्राम की चौपालों तक जनता की समस्या सुलझाने का काम उनके पति ही कर रहे हैं। यानी 98% महिला प्रतिनिधि घर से बाहर ही नहीं निकल रही। पुलिस प्रधान समाज में महिलाओं का स्तर सुधारने को कुछ साल पूर्व सरकार ने पंचायती राज में हिस्सेदारी 33% से बढ़ाकर 50% कर दी थी। इससे लगा था कि जनप्रतिनिधि बनने से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंचायत चुनाव में आधी भागीदारी के बाद समाज में महिलाओं को जीवन स्तर में बदलाव पर किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े निराश करने वाले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो महज 2% महिलाएं ही जिले में से लेकर जनपद मुख्यालय में घर की दहलीज पार कर गांव विकास में भागीदारी निभा रही हैं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो अपना पति या परिवार के अपने दम पर गांव की सरकार चला रही हैं। जनपद पंचायत बदरवास के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत थाटी में लाखों रुपयों की गबनहेराबाजी व भ्रष्टाचार के आरोप ग्रामवासियों द्वारा लगाए गए। लोगों ने ग्राम पंचायत में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के आरोप ग्राम पंचायत महिला सरपंच व सचिव पर लगाए। ग्रामजनों ने पत्रकारों को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत थाटी में हुए भारी भ्रष्टाचार की शिकायत अनेकों बार जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत सहित CM हेल्पलाइन में की गई है, लेकिन अभी तक कोई जाँच या कार्रवाई ग्राम पंचायत के उक्त जवाबदारों पर नहीं की गई है। ठाटी के ग्रामवासियों ने बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच महिला आरती रघुवंशी है। अधिनियम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज 1993 पर नजर डाले तो उक्त अधिनियम के पृष्ठकर्मा 189 में धारा 69 के अंतर्गत अध्याय 8 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के नातेदार किसी भी प्रकार का लाभ वाला काम नहीं कर सकते। अधिनियम अंतर्गत 40 में ऐसा करने वक्त पर जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें शासकीय सेवाओं व जनप्रतिनिधियों को पद से पृथक करने के अलावा राशि की वसूली के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से वंचित करने का प्रावधान है।